आज हम बनाएंगे घेवर। और घेवर का नाम आते ही हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है इसको बनाना, पर यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत आसान है। मेरे बताए हुए तरीके से आप घेवर बनाइए, एकदम परफेक्ट घेवर बनेगा आपका पहली बार में ही। अब घेवर तो हम बनाएंगे ही, साथ में ही इसके हम चाशनी बनाएंगे, तो वो कैसी बनानी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, और इंस्टेंट वाली रबड़ी भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो घेवर को बनाने से पहले हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे, तो उसके लिए हम लेंगे आधा कप पानी और इसके अंदर डालेंगे एक कप चीनी। तो जितनी हम चीनी ले रहे हैं उसका आधा हमें इसमें पानी डालना है। अब एक अच्छी सी खुशबू के लिए इसके अंदर डालेंगे 3 हरी इलायची। वैसे आप हरी इलायची नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप यहाँ पर एक पिंच केसर ऐड कर सकते हैं, फिर केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। तो बस अब तेज आंच पे स्पैचुला से कंटिन्यू चलाते हुए हम चीनी को एक बार मेल्ट कर लेंगे। जब चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए उसके बाद आंच को हम मीडियम और हाई के बीच में कर देंगे और इसे 3 मिनट पकाएंगे। तो जो ये चाशनी है फ्रेंड्स वो हमें हल्की सी गाढ़ी रखनी है, अगर बिल्कुल पतली सी चाशनी होगी ना तो जो हमारा घेवर है उसके ऊपर डालते ही जो घेवर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो करीबन 3-3.5 मिनट इस चाशनी को कुक करने के बाद अब हमें चाशनी को चेक करना है। पर चाशनी चेक करने से पहले एक बार आंच को आप या तो बिल्कुल बंद कर दें या फिर बिल्कुल धीमे पे रखें, ताकि जब हम चाशनी चेक करें तो जो हमारी चाशनी है वो ओवर कुक ना हो जाए। तो एक बार चाशनी को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से करके देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हल्का सा तार बन रहा है, जो तार है वो बार बार टूट रहा है, बस ऐसा ही हमें जो है ये चाशनी बनानी है। इससे ज्यादा भी इसको पकाने की जरूरत नहीं है और इससे कम भी कुकिंग करनी है। अगर हल्की सी वैसे ज्यादा कुक भी हो जाए तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब ये जो चाशनी है बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो गई है, आंच को हम बंद कर देंगे और इसे हम ढककर साइड में रख देंगे। और अब इसके बाद हम रबड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 लीटर दूध। तो दूध की जो क्वालिटी है फ्रेंड्स जितनी अच्छी लोगे ना उतना ही बढ़िया हमारी रबड़ी बनकर तैयार होगी और उतनी ही जल्दी बनेगी वो। तो अब इस दूध में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। उबाल जब इस तरीके से आना शुरू हो जाए उसके बाद आंच को हम मीडियम पे करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी। तो चीनी की जो क्वांटिटी है वो अपनी पसंद के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत कम मीठा खाते हैं ना तो आप यहाँ 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ 5-6 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। बस चीनी यहाँ पर यूज़ करते समय आप ध्यान रखिएगा, हमने चाशनी भी बनाई है और उसे भी हमें घेवर में यूज़ करना है। तो बस चीनी के साथ में इसमें 1 पिंच हम केसर भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत बढ़िया कलर आता है रबड़ी में और टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। वैसे है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी ये बन जाएगी। आप यहाँ हरी इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। तो बस अब इसको हम करीबन 4-5 मिनट अच्छे से पकाएंगे मीडियम आंच पे, ताकि जो दूध है वो हल्की सी इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए। तो करीबन 5-6 मिनट इसे कुक करने के बाद आप देख सकते हैं जो दूध है वो हल्का हल्का सा इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे वो इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से हमारी जो रबड़ी है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी और साथ में ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने ली है 3 ब्रेड। तो मैंने यहाँ आटा ब्रेड यूज़ किया, आप इसकी जगह मैदा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड के जो किनारे हैं ना वो हमें कट करने हैं, उसके बाद इन ब्रेड को मिक्सी में डाल के हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो इस तरीके से ब्रेड क्रम्स को हम इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद मीडियम आंच पे ही इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए करीबन 5-6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। अगर इस स्टेज पे इसको हम चलाएंगे नहीं तो जो रबड़ी है वो नीचे से या फिर तली से कहीं से जलनी शुरू हो जाएगी, तो रबड़ी में फिर थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आएगा। तो करीबन 5-6 मिनट और कुक करने के बाद आप देख सकते हैं जो रबड़ी है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है, हल्का सा इसका कलर भी यहाँ चेंज हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। बस यहाँ पर रबड़ी बनाते समय आप ध्यान रखिए कि हमें घेवर के लिए थोड़ी सी गाढ़ी रबड़ी ही बनानी है। तो बस अब आंच को बंद कर देंगे और इसको भी हम एक बार रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो चलिए अब आते हैं मेन प्रोसेस पे, जिसको बनाते समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम एक बोल के अंदर लेंगे 1/4 कप मेल्ट किया हुआ घी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स मेल्ट करके ही घी लेना है, यानी जिस कप से या कटोरी से आप मैदा लोगे उसी कटोरी से आपने 1/4 हिस्सा मेल्ट किया हुआ घी लेना है। अब हम लेंगे एक बर्फ का टुकड़ा और इस टुकड़े को हम इस तरीके से एक डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से फेंटेंगे। अब जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे तो जो घी है वो थोड़ा सा हार्ड होके इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो करीबन 2-3 मिनट इसको हमें फेंटना है, उसके बाद जैसे आप देख भी रहे हैं जो इसका टेक्स्चर है और कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल वाइट बटर जैसी फॉर्म में आ गया है। तो बस ऐसे ही हमें इसको फेंटना है
और फेंटने के बाद ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है इसे हम हटा देंगे और इसके अंदर जो ये पानी है ना अभी इसको भी हम अलग कर देंगे, ये यूज़ नहीं करना है इसके अंदर। तो बस अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल बटर जैसी फॉर्म में हमारा जो घी है वो आ गया है। अब इसके बाद हम हाथों से इसको अच्छे से फेंटेंगे करीबन 2 से 3 मिनट। जितना बढ़िया से इसको फेंटेंगे ना फ्रेंड्स उतना ही अच्छा हमारा घेवर बनकर तैयार होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप करीबन 2-3 मिनट तो आपने इसको बढ़िया से फेंटना है। तो जैसे जैसे इसको हम फेंटते जा रहे हैं आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि जो बटर था थोड़ा सा गाढ़ा था वो थिक फॉर्म में था अब वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है और पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा वाइट हो गया है। तो देखिए इस तरीके का बिल्कुल स्मूथ सा हमें ये बटर बना लेना है। अब इसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून डालेंगे बेसन। बेसन से घेवर में कलर बहुत अच्छा आता है, वैसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो मैदा जो है वो हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर से थोड़ा सा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। ऐसा करने से बहुत अच्छे से जो ये बटर या घी जो भी आप बोले ये मैदे के अंदर तक जाएगा, जिससे जो हमारा घेवर है ना उसमें बहुत अच्छी जाली आएंगी और बहुत ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से सारा जो मैदा है इसको डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप दूध। तो दूध मैंने रूम टेम्परेचर का, सॉरी दूध मैंने बिल्कुल ठंडा यहाँ पे यूज़ किया है। दूध डालने से जो घेवर है ना वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वैसे आप चाहें तो यहाँ दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं। तो दूध को डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो इसके अंदर की गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। जब गुठलियाँ पूरी तरीके से इसमें ख़त्म हो जाए उसके बाद 2-3 मिनट और इसे फेंटेंगे ताकि जो बैटर है वो हल्का सा स्मूद और फ्लफी हो जाए। अब इसके बाद इसमें 1 कप डालेंगे ठंडा पानी, पहले इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको एडजस्ट करने के लिए 1 कप ठंडा पानी और डालेंगे। तो टोटल फ्रेंड्स हमने 2 कप ठंडा पानी यहाँ यूज़ कर लिया है और 1/2 कप हमने दूध यूज़ किया था। तो 1 कप मैदे के हिसाब से करीबन 2.5 कप लिक्विड हमें आराम से लग जाता है। और मिक्स करने के बाद जैसे आप देख भी रहे हैं इसके अंदर हल्की हल्की गुठलियाँ हैं, तो उसके लिए हम एक बोल पर छलनी रखेंगे और जितना भी ये घोल है ना वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। घोल को डालने के बाद जो ये गुठलियाँ हैं स्पैचुला से हम इस तरीके से इनको तोड़कर बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे और इसको हम जो ये लिक्विड है घोल है इसके अंदर ही डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। बस ये जो हमारा घेवर का घोल है बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस तरीके का हमें ये घोल बनाना है, बिल्कुल पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल है। तो चलिए घोल बनाने के बाद हम एक बर्तन के अंदर ठंडा पानी और कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे, उसके बाद ये जो घोल वाला बोल है वो इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि घेवर को बनाते समय जो ये घोल है ना वो हमें बिल्कुल ठंडा ही रहने देना है। अगर आपको ऐसा लगे कि बाद में घेवर बनाते समय घोल ठंडा नहीं है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो आप इसके मतलब नीचे जो ये बर्तन है इसके अंदर थोड़े बहुत बर्फ़ के टुकड़े और डाल दें ताकि जो हमारा घोल है वो बिल्कुल ठंडा रहे। तो चलिए अब घेवर बनाते हैं। तो उसके लिए जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं ध्यान रखिएगा थोड़ी सी लंबी हाइट वाला आपने लेना है और उसके अंदर जो हम तेल डालेंगे ना वो तेल हमें आधा भरना है। थोड़ा सा अगर कम हो चल जाएगा पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें खाली स्पेस भी बर्तन के अंदर चाहिए। वो क्यों चाहिए आगे आप देख ही लेंगे। तो बस अब ये तेल है ना इसको अच्छा सा हम गर्म कर लेंगे। जब तेल अच्छा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम एक बोतल के अंदर है ना ये घोल डालेंगे और जो बोतल का ढक्कन है उसमें 2-3 होल कर लेंगे। होल करने के लिए आप कोई पैनी चीज़ से इसमें होल कर सकते हैं या फिर नाइफ वगैरह को हल्का सा गर्म करके इसमें होल कर लें। तो हमें बोतल से ही घेवर बनाना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा करछी यूज़ मत करना, बहुत रिस्की सा काम होता है उसको यूज़ करते समय। अब इसके बाद हमें बोतल को थोड़ी सी हाइट पे रखना है, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर देके इसमें से 1-2 चम्मच जो घोल है वो इसके सेंटर में डालेंगे। उसके बाद जब ये बबल्स थोड़ी सी शांत हो जाएं उसके बाद फिर से 1-2 चम्मच घोल इसके सेंटर में डालेंगे और फिर से इसकी बबल्स को हल्का सा सेट होने देंगे। मतलब जब इसकी बबल्स थोड़ी सी सेट हो जाएँ उसके बाद ही हमें 1-2 चम्मच घोल इसके अंदर डालते जाना है जब तक कि ये पूरा घेवर बन नहीं जाता। अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि सेंटर में घोल डालने के लिए जगह नहीं बची है तो आप यहाँ किसी मथनी से या फिर बेलन से सेंटर में हल्की सी इस तरीके से जगह बना लें। अब इसके बाद हम जब ये पूरा घेवर बन जाए नाइफ से इसके जो किनारे हल्के से जो है ना अलग कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ ताकि ये ऑयल के अंदर चला जाए, इससे जो घेवर है वो ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आए ना तभी तक आपने फ्राई करना है। ज़्यादा अगर आप इसको गोल्डन ब्राउन की तरफ ले जाएंगे ना तो जो घेवर है वो खाने में हल्का सा कड़वा लगेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं घेवर में हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। अब इसे बेलन से या मतली से बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से उठाकर थोड़ा सा मतलब खड़ा कर देंगे ताकि जो इसका
एक्स्ट्रा ऑयल है वो बर्तन में ही चला जाए। तो यहाँ पर मैंने घेवर को हल्का सा पतला रखा है। इस घेवर की जो मोटाई है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से पतली या मोटी बना सकते हैं। मैंने करीबन 3 कड़छे बैटर यूज किया था यहाँ पर। तो अब ये जो घेवर है आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस घेवर को हम इस तरीके से एक छलनी के ऊपर रख देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो छलनी के जरिए नीचे से चला जाए। अब फ्रेंड्स जैसा आप बर्तन यूज करोगे ना उसी साइज का आपका घेवर बनकर तैयार होगा। तो मैंने यहाँ एक छोटा बर्तन भी यूज किया था जिससे आप देख ही रहे हैं कि जो घेवर है थोड़े से छोटे साइज के बने हैं। तो बस इसी तरीके से जितना भी गोल हमारे पास है उसके हम घेवर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया हमारा घेवर बनके तैयार हुआ है। एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही बढ़िया इसके अंदर जाली आई है। कोई देख के या खा के बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि इस घेवर को आपने घर पे बनाया है। तो बस अब ये घेवर को चलिए सर्व कर लेते हैं। तो उसके लिए घेवर के ऊपर हम डालेंगे चाशनी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठंडी चाशनी डालनी है, गर्म नहीं डालनी है। तो जितना भी मीठा आपको घेवर करना है उसी हिसाब से आप यहाँ जो है चाशनी डाल दें। मैंने यहाँ करीबन 1.5 चम्मच जो है चाशनी डाली है। चाशनी डालने के बाद अब इसके ऊपर डालेंगे रबड़ी। तो अभी बिल्कुल ठंडी रबड़ी हमें यूज़ करनी है। और जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था इसका जो टेक्सचर वो गाढ़ा होना चाहिए। पतली रबड़ी अगर हम यूज़ करेंगे ना तो घेवर बहुत जल्दी सोगी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी गाढ़ी ये रबड़ी डालनी है। और जो रबड़ी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा जो है घेवर पर लगा सकते हैं। तो बस रबड़ी को डालने के बाद अब इसके ऊपर थोड़े से बारीक चॉप किए हुए नट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता यूज़ किए हैं। आपको जो भी नट्स पसंद हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और साथ में ही इसके ऊपर हम मैंने यहाँ थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगाया ताकि जो घेवर है वो देखने में अच्छा लगे। अगर आपके पास है तो आप लगा दो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको थोड़े से गुलाब की पत्तियों के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगता है देखने में। अगर केसर है तो केसर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बस ये जो हमारा घेवर है बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने देख ही लिया कितना बढ़िया घेवर बना है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था फ्रेंड्स। आप ज़रूर बनाना इसको, और बनाने के बाद कैसा बना और सबको कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और ऐसे ही सिंपल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।